हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट इन्वेस्टिंग एंड आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जिस केमिकल कंपनी के बारे में बात करने जा रहा हूँ, यह है फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्री लिमिटेड। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, आज से अगर 1.5-2 महीने पहले आप देखोगे तो आप देख सकते हो, मैंने इसको 31 जुलाई को बताया था। तब इसका प्राइस लगभग 5,400 के करीब था और आज इसका प्राइस लगभग 7,200 के करीब है। तो दोस्तों, तब भी मैंने आपको ये बताया था कि ये शेयर बहुत जल्दी 5,000 से होके 7,000 होगा, 7,500 टच करेगा और 7,500 से 10,000 रुपये टच करेगा। तो दोस्तों, ये उसी लाइन पे एग्रेसर है और आप देख सकते हो कि जैसे मैंने तब से बताया और हर टाइम फ्रेम में इस स्टॉक ने काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दिया है। 5 दिन में देखा जाए तो 10%, 1 महीने में देखा जाए तो 15%, 6 महीने में देखा जाए तो 78% और डायगोनली अपोजिट डायरेक्शन भाग रहा है। 1 साल में देखा जाए तो डबल डबल कर दिया पैसे को, 121% कर दिया है। 5 साल में देखो 790 यानी लगभग 8 गुना पैसे को कर दिया इसने। और डायरेक्शन देखिए, डायगोनल अपोजिट साइड भाग रहा है, यानी एकदम जैसे बोलते डायगोनल बनता है ना, तो वैसे ही अपोजिट साइड भाग रहा है। ये शेयर कहीं रुका ही नहीं है, ऐसा नहीं कि बड़ा और रुका रुका बड़ा, ऐसा हुआ ही नहीं है, जो कि जो बहुत अच्छी बात है। और इसमें कोरोना के काल में भी इस शेयर में ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ है, बिजनेस अच्छा खासा चलता रहा इसका, तो ये बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात है, अगर चार्ट में देखोगे तो ये शेयर बढ़ता है, फिर कंसोलिडेट होता है, फिर बढ़ता है, फिर कंसोलिडेट होता है। यहाँ पे देखिए, फिर कंसोलिडेट हुआ, फिर बड़ा, फिर कंसोलिडेट हुआ, फिर बड़ा, फिर कंसोलिडेट हुआ और अभी बढ़ ही रहा है। तो दोस्तों, ये स्टॉक अभी भी मुझे लगता है कि अगर आप चाहते हो तो इसमें खरीद सकते हो क्वान्टिटी, क्योंकि ये स्टॉक बहुत जल्दी 10,000 रुपये के करीब जाएगा, नहीं तो भी लगभग 9 से 10 हज़ार तो आपको आराम से टारगेट दिखाएगा। और अगर जिसके पास है उसको होल्ड करना चाहिए। और दूसरी बात, इसमें नहीं बोनस दिएगा, नहीं स्टॉक स्प्लिट हुआ है। ये जो शेयर है 2018 को लॉन्च हुआ था, तो बहुत जल्दी जब भी इसमें मैंने लास्ट वीडियो भी बनाया था, जब भी इसमें स्टॉक स्प्लिट और बोनस की घोषणा हुई तो ये शेयर जरूर रॉकेट बनेगा, एकदम तेजी से भागने की कोशिश करेगा। तो पैरामीटर्स है कि 22,000 करोड़ की एक मिड लेवल कंपनी है, आप बोल सकते हो। इंडस्ट्री पे 28 का है तो स्टॉक भी उसके डबल है, ज़्यादा नहीं भागा। इंट्रेंसिक वैल्यू देखिए लगभग 1,570 रुपये के करीब है, 1,577 है और उसके मुकाबले में ये 6 गुना है। तो अपने इंट्रेंसिक वैल्यू से 5 से 6 गुना होना, 4 गुना होना तो ठीक है, परंतु तो अभी मुझे लगता है थोड़ा महंगा है, आप इसमें थोड़ा वेट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है मुझे लगता है। और फेस वैल्यू इसकी 5 रुपये के करीब, EPS देखिए 125 रुपये का, बहुत ही शानदार गजब है। ये कंपनी जो है ये एक लार्जेस्ट टाइप का है, बोल सकते हैं लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ ओलियो केमिकल्स बनाती है इंडिया में, और 6th लार्जेस्ट प्लेयर है अराउंड द वर्ल्ड। और इसका जो डोमेस्टिक से 39% रेवेन्यू आता है और बाहर कंट्री से ऑलमोस्ट 61% आता है। अगर आप इसके क्वार्टरली रिजल्ट की बात करूँगी तो देखिए, क्वार्टरली रिजल्ट 30-40 30-40 आ रहा था, परंतु जब से कोरोना ख़त्म हुआ तब देखो, कोरोना के टाइम में कंसिस्टेंट रहा 31, 29, 32, 36, फिर कोरोना के बाद अगर अभी देखोगे तो 52 करोड़ 162, 122 और 160, यानी क्वार्टर टू क्वार्टर काफ़ी अच्छा जंप लिया इसने। अगर साल टू अगर ईयर टू ईयर देखेंगे, साल साल भर साल देखेंगे और EPS में भी देखेंगे तो काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिला है, 75, 165 करोड़, 260, 384 करोड़, तो हर साल इसको जंप देखने को मिला है। EPS देखिए 31 था, 34 था और अभी 125 का है, तो EPS भी साल दर साल बढ़ रहा है। रिटर्न्स तो काफ़ी अच्छा दिए इसने, 1 साल में 124% और 3 साल में 60% का दिए। कोई भी अगर स्टॉक आपको मोर देन 25% का अगर एनुअल रिटर्न देते तो काफ़ी अच्छा कहा जाता है, तो इसने 68 गुना दिया, तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा है। अभी आप अगर इन्वेस्टर की बात करते, देखिए इन्वेस्टर की होल्डिंग कभी कम नहीं हुई है, 75% बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे FIS की होल्डिंग भी 5 पहले थी, फिर 6% हुई, अभी लगभग 7.5% के करीब है। ये भी बहुत अच्छा था कि FIS इसमें स्टेक बढ़ा रहा है, पब्लिक की स्टेक भी धीरे धीरे बढ़ रही, तो पब्लिक लोग भी इसमें इंटरेस्ट ले रही है। और जो इंश्योरेंस और जो डोमेस्टिक इंश्योरेंस, उसने थोड़ा अपने 1.5% से अपनी होल्डिंग को कम किया है पिछले 3-4 क्वार्टर में, तो कम ज़्यादा चल रहा था। परंतु सबसे मेन मेन बात है, प्रमोटर्स की होल्डिंग और FIS की होल्डिंग बढ़ रही है, प्रमोटर्स अपनी 75% इंटैक्ट रखे और FIS की होल्डिंग बढ़ा रहे, तो इसका मतलब शेयर और आगे भागने वाला है। अगर इसके डिविडेंड की बात करें तो साल दर साल डिविडेंड देता है और 3-4 3-4 रुपये दे रहा था, पर 2021 और 22 में से 9 और लगभग 11 रुपये के डिविडेंड दिया है, तो डिविडेंड में बढ़ोतरी हो रही है। अगर हम
ट्रेंड लाइन देखेंगे कि एनालिस्ट की क्या रहा है, तो 21% शॉर्ट चार्ट में देखिए 21% स्ट्रेंथ बता रहा है कंपनी का, स्ट्रेंथ 21% और वीकनेस सिर्फ 4 पॉइंट है, तो कि बहुत अच्छी बात है। और 100 में से 72 पॉइंट दिया गया, और इसको क्या टेक्निकली बुलिश दिखाया गया कि अभी और भागने वाला है, इसलिए इसको इसका जो ओवरऑल मार्क है इसको टेक्निकली बुलिश बताया गया। और एनएससी बीएससी में तो इतना ज़्यादा अभी इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा 7,500 का शेयर्स हो गया, तो इतना ज़्यादा इसमें अभी ट्रेडिंग नहीं हो रही। आप देख सकते हो डिलीवरेबल क्वांटिटी 36 है, और एनएससी में अगर डिलीवरेबल क्वांटिटी 21 का है आज देखा जाए तो दोस्तों इसमें ज़्यादा तो अभी ट्रेड नहीं हो रहा, क्योंकि बहुत महंगा हो गया है ये मेरे को लगता है। और अपने क्योंकि अपनी बुक वैल्यू का ये बहुत ज़्यादा दौड़ चुका है, तो बुक वैल्यू से अगर आप देखोगे तो काफ़ी बहुत ज़्यादा 20 से 25 गुना है। तो स्टॉक जिसके पास है उसको होल्ड करना चाहिए, और जिसके पास नहीं है उसको अपनी रडार में रखकर जब तक स्टॉक स्पीड और यू तक घोषणा तब तक आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए। और अगर इसके क्या बोलते हैं टारगेट की बात किया जाए, तो मुझे जो टारगेट इसका 9,000 रुपये लगता है, 9 से 10,000 रुपये आपको दिखा देगा। और अगर कोई भी न्यूज़ आती स्टॉक बोनस और स्प्लिट को लेकर तब तो डेफिनेटली भागेगा रॉकेट की तरह, और स्टॉक का एक ही डायरेक्शन भाग रहा है जो कि बहुत दिखा रहा है, कम स्टॉक बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों आप इसको कंसिडर कीजिए और अपना प्लान कीजिए कि आप इसको कैसे ले सकते हो। अगर आप ले सकते हो अभी भी तो एक क्वांटिटी उठाइए और लॉन्ग टर्म तक होल्ड कीजिए, आपको स्टॉक स्प्लिट और बोनस भी मिलेगा अगर जब भी घोषणा होती। और अगर नहीं है तो आप अपने रडार में रखिए, और जब भी मौका मिलेगा जैसे मार्केट डाउन जाता है तो आप इसको खरीद सकते हैं। अगर आपको 6,000 रुपये के करीब मिलेगा तो भी बहुत अच्छी बात है, तो आप इसे पोजिशन बना सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपका ये वीडियो पसंद आए, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद, थैंक यू।